दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ की अति प्रिय नगरी व भारत की धर्म नगरी कही जाने वाली काशी कालांतर में तो बहुत समृद्ध रही, परंतु समय के साथ आधुनिक काल में राजनेताओं एवं विभिन्न शासकों की इच्छा शक्ति में कमी के कारण देश के विकास में अपना योगदान कम ही दिया और सिर्फ धार्मिक स्थल एवं प्राचीनतम शहर के रूप में ही जानी जाती रही। लेकिन समय के चक्र ने अपनी दिशा बदली और संभवतः महादेव की इच्छा से भारतवर्ष के यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपना कार्यस्थल के रूप में चुना और जब से श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद बन देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वाराणसी अर्थात काशी के विकास कार्य ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि इस समय वाराणसी शहर में कई दर्जन विकास कार्य परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रिंग रोड फेज 2 और फेज 3, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मेट्रो प्रोजेक्ट, रोपवे, फेरी सर्विसेज, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज इत्यादि और कई कार्य तो पूर्ण भी हो चुके हैं जिनका कि हमारे चैनल पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। विकास कार्य की परियोजनाओं के इस क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वाराणसी के प्रथम बहुमंजिली पार्किंग स्टैंड यानी कि फर्स्ट मल्टी लेवल पार्किंग ऑफ वाराणसी। बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत गोदौलिया क्षेत्र के पुराने तांगा स्टैंड की जगह पर अब बनारस शहर का पहला मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि परियोजना के निर्धारित समय के अंतर्गत शुरुआत होने में देरी हुई है क्योंकि 3 बार टेंडर जारी करना पड़ा और 3री बार हुए टेंडर के बाद मैसर्स ईस्टर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी का चयन हुआ और अब इसी कंपनी को अनुमति मिली है कार्य को पूरा करने की। कंपनी 10.56 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल में यह भवन बनाकर नगर निगम को सौंप देगी। इस बहुमंजिली पार्किंग स्टैंड में 5 मंजिल होंगे और पार्किंग में करीब 300 वाहन भी खड़े किए जा सकेंगे, जिसमें कि 2 पहिया वाहन के साथ ही आवश्यक सेवा वाहन जैसे कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस के अलावा कुछ और 4 पहिया वाहन भी खड़े किए जा सकेंगे। इससे आने वाले पर्यटकों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही तांगा स्टैंड को तोड़कर बनने वाले इस बहुमंजिली पार्किंग से जाम की समस्या से भी आम जनता को राहत मिलेगी। ज्ञात हो कि काशी में जो भी बाहर से पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं वह दशाश्वमेध गोदौलिया क्षेत्र में जाना जरूर चाहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में काफी भीड़ भाड़ रहती है, जाम के चलते लोगों को चंद कदम की दूरी तय करने में घंटों का समय तक लग जाता है और उसी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या के चलते लोग अपने वाहन को भी सड़कों के किनारे ही खड़ा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर जाम लग जाता है और इसी स्थिति से निपटने के लिए गोदौलिया क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना पर काम चल रहा है। बता दें कि गोदौलिया से दशाश्वमेध तक 9 व्हीकल जोन बनाने की तैयारी है। रोड एंड जंक्शन कार्य के तहत गोदौलिया से दशाश्वमेध तक स्ट्रीट पेडिस्ट्राइजेशन का कार्य भी चल रहा है जो कि एक अलग प्रोजेक्ट है जिसका संपूर्ण जानकारी हमारे एक अलग वीडियो में उपलब्ध है। एक बार इस स्ट्रीट पेडिस्ट्राइजेशन का कार्य पूर्ण हो जाए तो उसके बाद वाहनों का आवागमन इस मार्ग पर बंद हो जाएगा पूर्णतः, जिसके बाद केवल पैदल ही घाट तक जाया जा सकेगा। इसके अलावा केवल इमरजेंसी वाहनों और वीवीआईपी के लिए ही छूट दी जाएगी और इसी कारण से गोदौलिया चौराहे पर यह मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है। अब देखना ये होगा कि यह प्रोजेक्ट ऐसे तो देर ऑलरेडी हो चुका है इसके निर्माण के पूर्ण होने में, लेकिन अब और कितनी तेजी से इस प्रोजेक्ट पर कार्य होता है और कितनी जल्दी यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है यही देखना बाकी होगा और इसके प्रत्येक परिवर्तन यानी कि निकट भविष्य में जो भी अपडेट होंगे इस प्रोजेक्ट पर उस पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे और आप तक आगे होने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी पहुँचाते रहेंगे।
दोस्तों वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि जरूर करें। इसी के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।